ऐसा जीवन जिए जहां आत्म शांति हो, ऐसा जीवन जिए। शांति होगी तो वहां सुखदता है। जीवन में तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, शांति, समर्पण और शांति हो, समर्पण हो, भगवदी सत्ता हो, तीनों का होना। या ये तीन नहीं होंगे वहां सब कबाड़ा है, वहां कुछ भी नहीं है। अयोध्या में से तीन ही तो निकल गए थे, भगवान निकल गए, शांति रूपी सीता समर्पण के प्रतीक श्री लखनलाल। अयोध्या मरगट जैसी लग रही थी, शांति तुभ्यम तपो नास्ति। कितना सुंदर कहा है, आपके मन में शांति है, आपके हृदय में शांति है, ऐसे बड़ी तपस्या नहीं। हम माला लेते हैं हाथ में, माला घुमाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, जप करते हैं, ये सबका मकसद एक ही है, किसी न किसी प्रकार से मन को शांति मिले। और सत्य यही है कि शांति धन में नहीं है, शांति परिवार में भी नहीं है, शांति काय में है, जो मिला है उसके ऊपर तृप्त हो गए हैं उसमें शांति है। तो शांति तुभ्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तपस्या है ही नहीं। आप अपने आप में शांत हैं, क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध के लिए तो कहा है क्रोध ही वैवस्वतु राजा, क्रोध तो साक्षात यमराज है। क्रोध को क्या कहा था, क्रोध हो क्रोधी वैवस्वतो राजा, क्रोध ही तो साक्षात यमराज है। क्रोध करने से तो जब तब सब समाप्त होता है, कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए ग्रंथाकार का कहना है कि शांति को स्वीकार करें। शांति के समान तप नहीं है, तपस्या नहीं है। और एक बड़ी सुंदर बात कही है, हम कितना भी पूजा पाठ करते हैं यदि उसमें शांति नहीं है तो उसका कुछ मिलता भी नहीं है। धीमे धीमे कोशिश कीजिए हम शांत जीवन जिए, बिल्कुल एकदम शांत, उफनाव ना आए। एक क्रोध काई को आता है किस लिए, क्योंकि हम सबसे अपने मन की मनमानी करवाना चाहते हैं। शांति तब भी नहीं होती जब तक हमारी इंद्रियां जो चाहती हैं उसकी तृप्ति नहीं होती। तो इंद्रियों को रोकिए ना, ये इंद्रियां ऐसा क्यों चाहती हैं जो हमारे लिए गुनाहकार है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इंद्रियों को बोलिए रोकिए इन्हें और दिखाइए उसमें